हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस अर्जुन सर में। आज मैं आप सभी को ट्वेल्थ क्लास का इंग्लिश एन इपिटाफ वाल्टर डीलामेयर पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी एन इपिटाफ चैप्टर का नाम है, एक कविता है और ये वाल्टर डीलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। तो मैं एक एक लाइन पर, एक एक वर्ड पर चर्चा करूँगा और आपसे बातें करूँगा। आपको हिंदी में सारी कविता को मैं समझाऊँगा, बताऊँगा कि इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रख लेंगे ताकि आगे कोई भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। तो एन इपिटाफ ये क्या है? तो इपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। शिलालेख यानी कोई मृत व्यक्ति के ऊपर एक गुंबद बनाया जाता है और उस पर एक लेख खुदाई की जाती है, उसे हम शिलालेख कहते हैं। तो यानी शिलालेख हुआ और ये वाल्टर डीलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया। अब स्टार्ट करते हैं। वाल्टर डीलामेयर 1873, यानी वाल्टर डीलामेयर साहब का जन्म 1833 में हुआ। 1956 में इनकी देहांत हो गई, वे मर गए। वाज बर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड। कार्ल्टन केंट में यानी इंग्लैंड में एक ऐसा स्थान जिस ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर, इन्होंने अपने पिता को खो दिया, यानी इनके पिता की देहांत हो गई थी। कब? एट द एज ऑफ 4, जब ये 4 वर्ष की उम्र में थे, 4 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। इनकी पिता दुनिया को छोड़ के चले गए थे। एंड और हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और इसी कारण से, इनकी पिता की मृत्यु के कारण से, इनको पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ लंदन आना पड़ा था। ही इज़ नोन, ये प्रसिद्ध हैं, ये इनको सभी लोग जानते हैं, फॉर ही सेंसिटिव कंसर्न्स, यानी संवेदनशील विचारों को लेकर के इन्हें सब जानता है। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, संसार में पूरे बच्चों के बीच, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपरनेचुरल, और पूरे संसार में प्रकृति से जुड़ी बातों के लिए। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए इनके जो गीत हैं, संगीत है जो बच्चों के लिए उन्होंने कंपोज किया है। एंड पीकॉक पाई, यानी मोर पाई, डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो संसार के सपनों पर चित्रित किया गया है। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन सभी गीतों में देयर इज़ अ नोट ऑफ मेलेंकली, एक मेलेंकली जैसा नोट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। द पोएट मेक्स अस, पोएट हम लोगों को पोएट मेक अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, वास्तविक यानी कि आधुनिक जीवन जो है लोगों की, उस जीवन से कभी हम सबों को रूबरू कराते हैं, हम सभी को जान पहचान कराते हैं। किसोज इन्होंने दिखाता है His genius by evincing fresh interest in old themes, यानी पुराने धरेले से इन्होंने अपनी जिन्यस्ता को दिखाया है, इनके अंदर जो टैलेंट है उनको शो किया है। क्वीन एलिजाबेथ द द्वितीय ऑनर्ड हिम, सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। और जानते हैं महारानी द्वितीय जो थी, एलिजाबेथ द्वितीय महारानी, वो इनको 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजी थी, यानी इनको सम्मानित की थी इस अवार्ड से। मैं आपको बता दूं कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन है, प्रश्न आंसर, इनको मैं बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको आपकी अपनी कविता पर चर्चा करके आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, अपनी कविता पर ध्यान देते हुए पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, एन इपिटाफ, एक शिलालेख, हेयर यहाँ लाइज मतलब लेटी हुई है, पड़ी हुई है, कब्र में पड़ी हुई है, अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला जो यहाँ कब्र में विश्राम कर रही, यानी लेटी हुई है, सोई हुई, ऐसा कवि का कहना। लाइट ऑफ स्टेप, लाइट ऑफ स्टेप का मतलब है चंचल है, मनोहर है, मन को मोह लेने वाली। एंड हर्ट यानी हसमुख है, इश्कबाज है, वाजसी यानी वो जो महिला थी
वो बिल्कुल मन मोह लेने वाली थी, हंसमुख मिजाज की थी, इश्कबाज थी। आई थिंक कभी को ऐसा लगता है, कभी सोचते हैं शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, कि वह जो महिला थी वो सबसे सुंदर स्त्री थी, सबसे खूबसूरत स्त्री थी, ऐसा कभी का मानना है। डैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम की देश में हुआ करती थी, जो पश्चिम की देश की थी, पश्चिम देश में रहने वाली थी। बट लेकिन ब्यूटी वैनिसेस का मतलब है सुंदरता समाप्त हो जाती है, ब्यूटी पासेज, सबसे सुंदर स्त्री को भी मरना पड़ता है। हाउएवर, जबकि रेयर विरल असाधारण, रेयर इट बी, असाधारण बिरले ऐसा होता है। एंड और वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिम की महिला को, जो सबसे खूबसूरत महिला है, इसको कौन याद करेगा। इस बात को सोचकर कभी उदास हैं, कभी दुखी हैं, और इस बात को सोचते हैं कि मैं मर जाऊँगा तो इस खूबसूरत महिला जो पश्चिम देश की है स्त्री, इसे कौन याद करेगा, ऐसा कभी सोच के उदास हैं, मायूस हैं। मैं बता दूं आपको कि दोस्तों इनके पोएम में, इस कविता में कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स का मीनिंग मैं बताता हूं आपको। जैसे लाइट ऑफ स्टेप का क्या मतलब होता है, तो लाइट ऑफ स्टेप का मतलब है कि चंचल है, मनोहर है, मन मोह लेने वाली है। एंड हर्ट, लाइट ऑफ हर्ट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हंसमुख है, इश्कबाज है। मैं बता दूं यहाँ के बैनिसेज है, वैनिसेज मतलब क्या होता है, तो वैनिसेज का मतलब होता है कि गायब हो जाना यानी मिट जाना। और ब्यूटी पासेज मतलब समाप्त हो जाना। रेयर का क्या मतलब होता है, बिरल, असाधारण, अनकॉमन, ऐसा माना जाता है। अब मैं बता दूँ क्रम्बल का क्या मतलब है, टूट जाना, नष्ट हो जाना, डाई, मर जाना, ऐसा प्रतीत होता है इन शब्दों से। मैं बता दूँ हेयर मतलब यहाँ लाइज का मतलब है कि लेटी हुई है, सोई हुई है, पड़ी हुई है। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे खूबसूरत लेडी मतलब महिला। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब है कि मन मोह लेने वाली है, चंचल है। लाइट ऑफ हर्ट का मतलब है कि खुश मिजाज है, हंसमुख है, इश्कबाज है। थिंक मतलब सोचना, विचार करना। मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब सबसे खूबसूरत। डैट ईवर, जो कभी थी, डैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम के देश में कभी थी। बट ब्यूटी बैनिसेज, बैनिटी मतलब समाप्त, सुंदरता समाप्त हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदर स्त्री को भी मरना पड़ता है। हाउ ईवर, जबकि रेयर विरले ऐसा होता है, रेयर इट बी। एंड वेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, समाप्त हो जाऊँगा, तो इस महिला को कौन याद करेगा, ऐसा सोच करके अभी उदास है। तो मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन रख लीजिए, और चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बता दूँ आपको कि ऐसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।